गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के दोषी को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई है। शहर के लिम्बायत क्षेत्र से पिछले साल अक्टूबर में मासूम के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में बिहार के अनिल यादव को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट की बेंच ने फैसले में घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 5 महीने में सुनवाई पूरी कर जुलाई में अनिल को पोक्सो एक्ट के तहत और हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट ने अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। जानकारी के अनुसार अनिल ने 14 अक्टूबर 2018 को बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। जब बच्ची ने बचने की कोशिश की तो उसके सिर पर डंडे से वार किया, जिससे बच्ची को ब्रेन हेमरेज हो गया। इसके बाद अनिल ने बच्ची का गला घोट दिया था। दोषी ने शव को प्लास्टिक बैग के अंदर घर में छिपा रखा था। वह खुद बच्चे के परिवार के साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक करता रहा। बच्चे के साथ दरिंदगी के बाद गुजरात के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे और किन्नरों ने नवरात्रि उत्सव नहीं मनाया था। लोगों ने भी पूजा पंडालों में बच्ची को श्रद्धांजलि दी थी। दरिंदगी की घटना में जब आरोपी का बिहार से निकला तो शहर में उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोगों पर हमले किए गए थे। संसद ने पिछले साल बच्चों के साथ यौन अपराधों के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान किया था। इसके तहत 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा देने के कानून को मंजूरी दी गई थी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।